15 फरवरी 2017 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो ने एक ही रॉकेट से एक बार में 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। हर भारतीय के लिए ये गर्व का पल था और इंटरनेशनल मीडिया भी इसे जोरों शोरों से कवर कर रही थी। इससे पहले ये रिकॉर्ड रशिया के नाम था, जिन्होंने 19 जून 2014 को एक बार में 37 सैटेलाइट्स लॉन्च की थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए 104 सैटेलाइट्स में से मोस्टली सैटेलाइट्स दूसरे देशों के थे। इसका मतलब यह है कि आज पूरी दुनिया हमारे देश भारत के स्पेस एजेंसी इसरो और उनकी काबिलियत पर पूरा विश्वास करता है। आज इसरो स्पेस और साइंस की फील्ड में अपनी एक अलग और मजबूत पहचान रखता है और सैटेलाइट लॉन्च हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पर इन सब के बीच आज हमें उन लोगों के कंट्रीब्यूशन को नहीं भूलना चाहिए जिनकी मेहनत ने इसरो को इतना बड़ा बनाया है। हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने आज के इसरो की बुनियाद रखी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन पलों की, उस मेहनत की और उन लोगों की जिन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर भारत के अपने पहले सैटेलाइट को स्पेस तक पहुँचाया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट के लॉन्च के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप भी भारत के हिस्ट्री के उन गोल्डन मोमेंट्स को जीना चाहते हैं और उन्हें डीपली जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। साल था 1972 का। अभी भारत की आजादी को सिर्फ 25 साल ही हुए थे और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो भी अभी सिर्फ 3 साल पुराना ही था। दुनिया का कोई देश ये सोच भी नहीं सकता था कि भारत जैसा देश अपनी खुद की सैटेलाइट को स्पेस में भेजने के बारे में सोच भी सकता है, पर भारत के वैज्ञानिकों ने तो ये ठान लिया था कि वो ये करके ही दिखाएंगे। अंतरिक्ष में भारत की सैटेलाइट होगी और सारी दुनिया खड़ी होकर हमें सलाम करेगी। लेकिन इसरो के पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर था और ना ही पर्याप्त पैसा, और फिर अगर सैटेलाइट बना भी ली तो हमारे पास उसे स्पेस में लॉन्च करने के लिए रॉकेट कहां से आएगा। उस समय हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी कि हम सैटेलाइट को स्पेस में भेजने के लिए रॉकेट को भी बना ले। लेकिन कहते हैं ना कि जहां चाह होती है वहां राह भी मिल जाता है। जब इसरो ने ये डिमांड भारत सरकार के सामने रखी तो इसका रास्ता निकाला गया। सरकार ने सैटेलाइट बनाने के लिए पर्याप्त फंड्स इसरो को प्रोवाइड किए और सैटेलाइट के लॉन्च के लिए सोवियत यूनियन से मदद मांगी। साल 1972 में ही भारत और सोवियत यूनियन के बीच एक एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसके अनुसार सोवियत यूनियन अगले 2 से 3 सालों में भारत के बनाई सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करेगा और इसके बदले भारत अपने बंदरगाहों से सोवियत यूनियन को शिप्स की ट्रैकिंग करने की इजाजत देगा। इस एग्रीमेंट के सक्सेसफुल होने के पीछे इसरो के एक वैज्ञानिक उड्डापी रामचंद्र राव का इम्पोर्टेंस रोल था। U.R. राव सर का आर्यभट्ट मिशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था और वो आगे चलकर इसरो के चेयरमैन भी चुने गए थे। खैर, जब पैसा और रॉकेट्स दोनों की व्यवस्था हो गई थी तो अब समय था काम को शुरू करने का। इसके कुछ ही दिनों के बाद 200 भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने बेंगलुरु के पास स्थित पिन्या नाम के एक गाँव में डेरा जमा लिया। इसरो के पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और लिमिटेड फैसिलिटीज थी उन्होंने उनका पूरा यूज करते हुए अपनी कड़ी मेहनत और टीम वर्क के बदौलत केवल 3 सालों के अंदर ही भारत के अपनी पहली सैटेलाइट को बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। साल 1975 का अप्रैल महीना आते आते सैटेलाइट लॉन्च के लिए तैयार हो चुकी थी। अब समय था इसका नामकरण करने का। अलग अलग लोगों ने सैटेलाइट के लिए अलग अलग नाम के सजेशंस दिए थे, जिनमें से मैत्री, जवाहर और आर्यभट्ट मेन थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इनमें से आर्यभट्ट नाम को चुना। ये नाम इस सैटेलाइट को भारत के महान मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट के सम्मान में दिया गया था। खैर, अब आर्यभट्ट सैटेलाइट के लॉन्च का दिन करीब आता जा रहा था। इस बीच सैटेलाइट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी सामने आई, लेकिन उन्हें समय पर ही सही कर दिया गया। छोड़िए इन बातों को, चलिए मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। साल 1975 में अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जेराल्ड रुडोल्फ फोर्ड। सोवियत यूनियन में उस समय लियोनिड ब्रेजनेव का शासन चलता था। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो राज किया करते थे और हम भारतीय अंतरिक्ष की ओर हमारी सैटेलाइट की उड़ान का काउंटडाउन कर रहे थे। 3, 2, 1 एंड गो।
19 अप्रैल 1975 को सोवियत यूनियन के अस्त्राखान ओब्लास्ट के कापुस्तिन यार लॉन्चिंग साइट से इसरो की बनाई आर्यभट्ट सैटेलाइट को कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल से सक्सेसफुली स्पेस में भेज दिया गया। आपको बता दूं कि आर्यभट्ट सैटेलाइट एक 26 साइड वाले पॉलीहेड्रॉन के शेप की थी। इसका टोटल डायामीटर 1.4 मीटर्स का था और लॉन्च के दौरान इसका वेट 360 किलोग्राम्स था। आर्यभट्ट के थ्रू इसरो सिर्फ अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करके दुनिया के सामने दिखावा नहीं कर रहा था, बल्कि हमारे वैज्ञानिकों ने इसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी रखे थे। वो ऑब्जेक्टिव्स थे एक्सरे एस्ट्रोनॉमी, एरोनॉमिक्स और सोलर फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना और पृथ्वी के आयनोस्फीयर में सोलर न्यूट्रॉन्स और गामा रेज की प्रेजेंस और नंबर से रिलेटेड कैलकुलेशंस करना। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, उस समय इसरो के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी कमी थी ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि सैटेलाइट से आने वाले डेटा का डेटा रिसीविंग सेंटर बेंगलोर में स्थित एक टॉयलेट को कन्वर्ट करके बनाया गया था। ये हंसने की बात नहीं है, बल्कि ये बात है प्राउड फील करने की और उस समय के इसरो साइंटिस्ट को दिल से अप्रिसिएट करने की। आपको बता दूं कि इस मिशन में करीब 3.5 करोड़ रुपीस खर्च हुए थे और आर्यभट्ट सैटेलाइट को पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में भेजा गया था। इस सैटेलाइट का रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन रेट 256 बिट्स पर सेकेंड था, जो अपने आप में सराहनीय था। इस पूरे मिशन की ड्यूरेशन 6 महीने रखी गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली अपने सक्सेसफुल लॉन्च के सिर्फ 5 दिन बाद ही आर्यभट्ट सैटेलाइट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई और उससे डेटा रिसीव होना बंद हो गया। पर उस समय तक साइंटिस्ट काफी कुछ यूजफुल डेटा प्राप्त कर चुके थे। इट मींस हम इसे इसरो का फेलियर नहीं कह सकते। इस सैटेलाइट से आखिरी सिग्नल मार्च 1981 को रिसीव हुआ था, मतलब इसका मेन फ्रेम करीब 5 साल और 11 महीने तक एक्टिव रहा था। लॉन्च के 17 साल बाद 10 फरवरी 1992 के दिन आर्यभट्ट सैटेलाइट का स्पेस में सफर खत्म हो गया था और ये फिर से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गई थी। आर्यभट्ट सैटेलाइट को हमेशा याद रखने के लिए इसके इमेज को साल 1976 से 1997 के बीच प्रिंट हुए 2 रुपए के नोट्स पर भी देखा जा सकता है। भारत सरकार ने अपने स्टाम्प्स में भी इसे जगह दी थी। यही नहीं, साल 1984 में सोवियत यूनियन के द्वारा पब्लिश किए गए पोस्टल स्टाम्प में आप भारत की आर्यभट्ट, भास्करा 1 और भास्करा 2 सैटेलाइट्स को भी देख सकते हैं। अब जब हम इसरो की आर्यभट्ट सैटेलाइट को इतना अप्रिसिएट कर रहे हैं, तो इसे स्पेस में ले जाने वाले रॉकेट कॉस्मोस 3M के बारे में बात भी नहीं करना तो नाइंसाफी होगा। कॉस्मोस 3M एक लिक्विड फ्यूल 2-स्टेज रॉकेट था, जिसे सबसे पहले 1967 में लॉन्च किया गया था। 1975 में इसरो की आर्यभट्ट सैटेलाइट, 1979 में भास्करा 1 और 1981 में भास्करा 2 सैटेलाइट की लॉन्चिंग भी इसी रॉकेट से हुई थी। इसने आखिरी बार 27 अप्रैल 2010 को उड़ान भरी थी और उसके बाद इसे हमेशा के लिए रिटायरमेंट दे दी गई थी। कॉस्मोस 3M को टोटल 444 बार लॉन्च किया गया था, जिसमें से ये 424 बार सक्सेसफुल रहा था और केवल 20 बार इससे किया गया लॉन्च फेल हुआ था। दोस्तों, आज आर्यभट्ट सैटेलाइट को लॉन्च हुए 45 साल बीत चुके हैं। इन सालों में इसरो ने इतनी कामयाबी हासिल कर ली है जिसके बारे में शायद हम उस समय कल्पना भी नहीं कर पाते। उस समय हमें अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए सोवियत यूनियन की मदद लेनी पड़ती थी और आज देखिए, आज अमेरिका, रशिया और फ्रांस जैसे बड़े बड़े देश अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च कराने के लिए हमारे पास आते हैं। उन्हें इसरो की टेक्नोलॉजी पर पूरा विश्वास है। उन शुरुआती दिनों के परेशानियों ने इसरो को कम बजट में काम करना सिखाया। आज हम चांद पर और यहाँ तक कि मार्स पर भी अपना स्पेस क्राफ्ट भेज चुके हैं और जल्द ही स्पेस में पहला इंसान भी भेजने वाले हैं। ये डेवलपमेंट नहीं है तो और क्या है? वीडियो के आखिर में मैं आप सभी व्यूअर्स से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हम सभी बॉलीवुड एक्टर्स के बहुत बड़े वाले फैन होते हैं, उनके लिए हमारे अंदर बहुत ज़्यादा क्रेज होता है। हॉलीवुड फैंटेसी मूवीज के डायलॉग्स तो हमें रटे हुए होते हैं और पॉलिटिशियंस के लिए तो हम जीने मरने तक को तैयार हो जाते हैं, पर क्या हम उतना ही सम्मान अपने वैज्ञानिकों को देते हैं? मतलब क्या हम उतनी ही डेडिकेशन के साथ उन्हें फॉलो करते हैं? आई नो जब इसरो स्पेस में कुछ नया अचीव करने वाला होता है तो हम उनको पूरा सपोर्ट करते हैं और उनके सक्सेस और फेलियर दोनों में हम उनके साथ रहते हैं, लेकिन उस समय का क्या जब वो किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं?
आई थिंक हमें हर दिन हर पल उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। हमें अपने साइंटिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। वो किस तरह किसी भी प्रोजेक्ट को रियलिटी में उतार रहे हैं उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये ना केवल उनके हौसले को बढ़ाएगा बल्कि हमारे आसपास के लोगों में साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करेगा और अल्टीमेटली फ्यूचर के जनरेशन को डेवलपमेंट के नए लेवल्स तक पहुँचाएगा। इन्हीं बातों के साथ आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। कि आज के इस वीडियो के साथ आप इंडिया के पहले सैटेलाइट लॉन्च के उन गोल्डन मोमेंट्स को दिल से फील कर पाए? अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है मेरे यार। तो सोच क्या रहे हो, आर्यभट्ट सैटेलाइट के लिए और इसरो के महान वैज्ञानिकों के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर कह रहे हो यार, जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।